क्या हो गया मैडम, क्या हो गया? मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। अरे हवलदार जी सर, तुझे इतनी अकल नहीं है कि औरत से कैसे बात करते हैं? सॉरी मैडम, खूबसूरत औरत से कैसे बात करते हैं? इधर आ मैडम। हेलो, आई एम द इंस्पेक्टर। बेइज्जती कर दी इसने तो। मैडम क्या तकलीफ है बताइए? मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट लिखवानी है? प्लीज रोइए रोइए मत, आई एम इमोशनल, प्लीज प्लीज। मेरी सास ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। ओह माय गॉड, एक सेकंड, तमीज नहीं है कैसे खूबसूरत औरतों से बात करते हैं? प्लीज मैडम, हैव अ सीट, हैव अ सीट, बैठिए ना बैठिए ना, इसे अपना घर समझिए प्लीज। या हाँ जी, अब बताइए, इत्मीनान से बताइए, आई एम एंजॉयिंग। उन्होंने इसलिए धमकी दी क्योंकि मेरे पिताजी ने दहेज में उनको सब कुछ दिया, टीवी, फ्रिज, गैस, सोफा, बेड, सब कुछ, लेकिन एक वाईफाई का राउटर ना दे पाए। अरे यार, उनको खुद को लगा लेना चाहिए ना, ऐसा क्यों नहीं करते वो लोग? वो तो इतने कंजूस है, इतने कंजूस है, क्या बताऊं कितने कंजूस है। बताइए बताइए, मैं सुन रहा हूँ, शाम तक यही हूँ मैं आपके लिए, बताइए ना प्लीज, अब आराम से बताइए प्लीज, बताइए। आपको पता है? हाँ आपको पता है? हाँ आपको नहीं पता है? नहीं नहीं, मुझे पता है, मैं पता करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मुझे बताएं प्लीज, आप बताएं प्लीज। मेरे जैसे ससुराल वाले हैं ना, वो महीनों तक नहाते नहीं है, ये सोच के कि साबुन की टिकिया खत्म हो जाएगी। साबुन? मैं साबुन नहीं, मैं लाऊं 5 टिकिया साबुन की, लाओ अभी लाता हूँ, अभी मैं लेके आऊँ। आपको पता है मेरी सास है ना, मुझे जबरन हफ्ते में 5-5 दिन उपवास रखवाती है ताकि खाना खत्म ना हो। खाना? ओ माय गॉड, खाना भी नहीं देते? खाना मैं लाऊं? मैं लाऊं? मैं खाना, मैं खाना लाऊं? खाना, खाना ला, पिज्जा ला, पिज्जा। पति कुछ नहीं कहता आपका, वो क्या करता है? मेरे पति क्या है? नहीं, अरे नहीं नहीं है। क्या 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 कहते पति? उन्होंने आज तक मुझे किस तक नहीं किया है। ओ माय गॉड, मैं करूं, मैं करूं, मैं कर, मैडम मैं करूं, मैं करूं, मैं फोन करूं उसको, फोन करूं, गालियां निकालूं? अबे इतनी खूबसूरत औरत है, किसने किया यार? यार ठीक ठाक आदमी हो, घर से बाहर ना निकले, छोड़े ना इसको। क्यों नहीं करते किसको? करते क्यों नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा। अंधा है क्या, पागल है? उसका इलाज करा, ठीक ठाक है वैसे। वो कहते हैं कि तुमने जो लिपस्टिक लगाई है, अगर मुझे किस करोगी तो वो खत्म हो जाएगी। पैसे बचाने के चक्कर में मुझे किस नहीं करते। ओ माय गॉड, उस कमीने को पता नहीं है लिपस्टिक बचाने के चक्कर में कितना नुकसान करवा रहा है अपना। आप रिपोर्ट लिखिए, आप मेरी सास के खिलाफ अभी रिपोर्ट लिखिए। ता मत करो, मैं तुम्हारा तलाक करवा के रहूंगा आज। अरे बुड़बक, हम अंग्रेज थोड़े ही ना जो अंग्रेजी पिएंगे, हम तो देसी है, देसी पिएंगे। ले, तेरे लिए भी है, आज मैं दे, 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 देसी नहीं पी सकता, मुझे जब मैं देसी पीता हूँ तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। छोटू, अरे शाम। यस सर। वो कुछ लोग मिलने आने वाले थे मुझे, पहुंचे नहीं पता। अभी तक तो कोई नहीं आया सर। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो, अरे चाचा क्या बात है, कहाँ जा रहे हो सच धस के? अरे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। अरे वाह चाचा, तुम्हें भी शादी के जाने का शौक है? शादी में केवल दुल्हन देखने का शौक है बेटे, ताकि ये पता लग जाए किसके मोबाइल में नया सिम डल रहा है और किसकी बैटरी लो होने वाली है। देश की महान गायिका कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के पिता श्री राजाराम गायकवाड़ के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। श्री राजाराम गायकवाड़ ही वो व्यक्ति थे जिनसे उनकी दोनों बेटियां कल्याणी और केतकी ने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। महान कलाकार श्री राजाराम गायकवाड़ का आभार पूरा देश मानता है।
जिनकी वजह से इस देश को कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के रूप में दो अमूल्य गायिकाएं मिली। पहले राजाराम गायकवाड़ संगीत सम्मान से खुद कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री को सम्मानित किया जाएगा।